जैकी 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 की आंखें चेक करें आप कैसी हैं। बिलोरी आंखें हैं जी, नीली आंखों वाला जैकी है ये। कान इसके चेक करें, बड़ा ख़तरनाक है। कोई भी नया आदमी यहाँ आने की जुर्रत नहीं करता दोस्तों। ये इसका एक काला भाई था, उसका नाम टोनी रखा था मैंने, लेकिन वो बेचारा मर गया। ये अभी है, फिर अभी उस टोनी की जगह पे वो टोनी हम लेके आए हैं जिसने अभी 5 बच्चे दिए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? यहाँ पे गाय को जो है दोस्तों हम घास डाल रहे हैं। हमारा छोटा गाबा भी यहाँ पे घास खा रहा है, सूखा घास खाता है गाबा। गाबा गाबा, बड़ा गाबा यहाँ पे खड़ा हुआ है। हाँ गाबे, ये हमारा बड़ा बैल है जी, पूरे जो हमने गाय के लिए रखा हुआ है ये वही बैल है। यहाँ पे इसका ये देखें, ये छोटा गाबा हमारा। माशाल्लाह हमारी गाय जो हैं वो मेल ज़्यादा देते हैं, लड़के ज़्यादा पैदा करती हैं, लड़कियाँ जो वो कम पैदा करती हैं। गाबियाँ कम होती हैं और गाबे ज़्यादा होते हैं। ये छोटा बैठा हो, ये भी गाबा है, आपको तो पता है। आ गाबे, हाँ सब उस खा लिया, वंडा खाया। शाम का टाइम है दोस्तों, सूरज वहाँ पे सामने है। पाकिस्तानी बकरियाँ घास खा रही हैं, वंडा थोड़ी देर हो चुकी है, खा लिया है, अभी खा रही हैं घास। छोटा बच्चा भी घूम रहा है माशाल्लाह बीच में। आज लैला शरीफ बना हुआ है जी, टकरे नहीं मार रहा बकरियों को, वरना ये मौका ढूंढता है कहीं से कोई बकरी इसकी तरफ थोड़ा पीठ करे, ये उसको एक टक्कर मार ही देता है। हाँ तुम पहले पहले आ जाओ, बहर में, बहर में नहीं जाओ, बहर में नहीं जाओ। दरवाज़ा जो ही खुला देखता है ये बहर में जाने लगता है, बहर में नहीं जाओ। ठीक, यहाँ पे खाओ घास खाओ। वो देखो तुम्हारी बहनें भी घास खा रही हैं। अभी दरवाजे को जाके चेक लाजम करेगा कि ये खुला हुआ है या बंद है। इसको बंद कर देंगे, अभी बंद है, अभी जाओ। बकरियाँ पूरी माशाल्लाह घास खा रही हैं दोस्तों। और ये लेले की शनाख्त चेक करें आप, ये कैसे घास खाता है इसको चेक करें आप। अगली टांगे टेढ़ी कर लेता है, पिछली सीधी, और बर्तन के सेंटर में खड़ा हो जाता है ताकि दूसरी बकरियां भी घास ना खा सकें। ऐसा है, हैं? देखे मेरे पीछे लगा हुआ है, दरवाजा खोले मैं बहर में जाऊं, बहर में नहीं जाना तुमको। इधर ठहरो, इधर इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर नहीं आओ। बस अभी दरवाज़ा बंद हो गया, अभी अंदर में ठहरो। भेड़ ने दिया है एक नया बच्चा माशाल्लाह। चल के जी दिखाते हैं आपको एक नया क्यूट बेबी, यहाँ पे दरवाजे के ऊपर बिल्कुल आया हुआ है। दोपहर को दिया था दोस्तों ये। ये देखें इसकी माँ ऐसी है, सुघड़ा है, इसकी सफाई तक नहीं की। देखें पता नहीं इसको दूध भी दिया या नहीं दिया, लेकिन मुश्ताक थोड़ी देर तक आएगा, इसको दूध देंगे दोस्तों। ये देखें क्यूट सा बेबी है, होशियार, ठीक ठाक है माशाल्लाह, दौड़ रहा है, लेकिन इसकी माँ कहाँ पे गई? उसको खाने की पड़ी होगी, खाना खा रही होगी घास, लेकिन उसको अपने बच्चे का पता नहीं है कौन सी है, इसमें गुम हो गई है, अभी कहाँ गई पता नहीं। ये देखें इसको कैसे पता है के दूध पिलाते हैं हमको, ये अभी क्यों पीछे भाग रहा है? इसकी माँ ने इसको दूध पिलाया नहीं, अभी ये बेचारा मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मैं किधर से लाऊं दूध पिलाऊं? है थोड़ी देर तक निकालेंगे दूध, है बकरी का भेड़ का दूध निकालेंगे, फिर तुमको पिलाएंगे। ठीक, ये देखें हालत इसकी चेक करें आप। इसको अपने अभी पेट की पड़ी हुई है। सही है, ठीक ठीक। इस व्लॉग को दोस्तों यहीं पे एंड करते हैं, कल नए व्लॉग में मिलेंगे। व्लॉग अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने भाई को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थोड़ी देर तक इसको दोस्तों दूध पिलाएंगे, क्योंकि मुश्ताक इस टाइम डाल रहा है बकरी भेड़ों को घास, वो वहाँ से फारिग हो जाएगा, फिर इसको दूध पिलाएँगे।